मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा सियासी दलों की तैयारियां भी उसी तेजी से चल रही हैं। लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ जरूरी है माहौल बनाना, जिसे लेकर दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल जुटे हुए और अपनी अपनी उपलब्धियों से अधिक दूसरों की खामियां गिनाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से किया। प्रियंका ने नर्मदा पूजन से चुनावी अभियान का आगाज किया तो इसे कांग्रेस के हिंदुत्व के एजेंट के रूप में समझा गया और ऐसे में जाहिर है हिंदुत्व पर एकाधिकार मानने वाली बीजेपी को रास ये नहीं आया। टीकमगढ़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रियंका को टारगेट किया और कहा कि ये लोग सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, ठीक साइबेरियन पक्षी की तरह। श्रीमती प्रियंका वद्रा कितने बार आती है? चुनाव आ रही है, शंखनाद करने आती है, फिर बाद में फिर चुनाव आ रही है, फिर शंखनाद करने आती है। तो ये शंखनाद की नेता है, ये बाद में कभी भी कहीं आसपास को दिखती नहीं है। ये साइबेरिया की जो पक्षी आते हैं वैसा ही कांग्रेस की नेता ये राहुल गांधी और ये दुनिया में घूमते घूमते एक बार चक्कर लगाते हैं। वैसे पहला मौका ये नहीं जब बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए पंछियों से तुलना की हो। कुछ वक्त पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक सभा में नाम लिए बगैर कहा था कि वक्त चुनाव का है, कई पंछी फड़फड़ाते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन आपको मुगालते में नहीं रहना है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के आरोप पर जोरदार जवाब आया। कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ का कहना है कि बीजेपी पूरे देश में लूट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी है। उसे बताना चाहिए कि जब राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे थे तब आंखों पर उसके पट्टी पड़ी थी क्या? सिर्फ पूरे देश में लूट खसोट पॉलिटिकल मैनेजमेंट यही तो कर रहे हैं, जनता के हित की बात कहां कर रहे हैं? तो ये हमें ना बताएं या अपने गिरेबान झांक के देखें तो बेहतर होगा। आंख में पट्टी बंधी है उनके, जिनको चुनाव के समय 6 महीने राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा किए हैं, तब ये सो रहे थे क्या कुंभकर्णी नींद में? आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जितना देश में एक एक जगह घूम करके जो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते? ये बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? ये भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते? सतपुड़ा में यहाँ आग लग गई, करोड़ों रुपए की फाइलें जल के खाक हो गई, इसकी बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हम तो आपकी व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, ये बौखलाए हुए हैं। मामला एक दूसरे पर आरोपों तक सीमित नहीं है। टिकट के सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल की अपनी अपनी प्रायोरिटी सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने चुनाव में टिकट को लेकर कहा कि प्रत्याशी तो वही बनेगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। के आधार पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के राय मशवरा के आधार पर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जनता में अच्छा हो और जिसको जीतने के लिए लोग उत्साह दिखाते हैं केवल उसी को टिकट दिया जाएगा। इधर कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह टिकट पर साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस उसी को टिकट देगी जो पावरफुल हो, क्योंकि बीजेपी से ऐसे ही लोग मुकाबला कर सकते हैं। जनता का मुकाबला करने, गुंडाइयों का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूती के साथ ताकत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला कमजोर आदमी नहीं कर सकता, मजबूत आदमी कर सकता। बहरहाल ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे दोनों ही दलों की तरफ से बड़े नेताओं के दौरे और तेज होते जाएंगे, ऐसे में तंज भी तेज होंगे और इस बीच वोटर को तय करना है कि उसके नजरिए में कौन बेहतर है। टीकमगढ़ से राजीव और भोपाल से वासु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।